हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। फ्रेंड्स, येस्टरडे हमने पढ़ा था अबाउट द सोशल कॉग्निशन एंड अबाउट द एटीट्यूड। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे वो एटीट्यूड की फॉर्मेशन होती है एंड कैसे हमारा जो है आपका मेरा सबका एटीट्यूड डिफरेंट होता है और बनता है। तो फ्रेंड्स, जब हम एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एटीट्यूड बनते हैं आपके मेरे सबके, ये जो है दे आर द लर्न्ड थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड आवर इंट्रैक्शंस विद द अदर्स। दैट मीन्स हमारे जो एटीट्यूड फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसे बनता है, वो एक हमारा सीखा हुआ तरीका है। मतलब हम उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, बचपन से सीखते हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एंड लेटर ऑन विद द सोशल इंट्रैक्शन विद आवर सोसाइटी। सोसाइटी में हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, अदर सोशल मेंबर्स, टीचर्स सब आते हैं। सो एटीट्यूड्स कैन बी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ये दो तरीके के हो सकते हैं ना। एक्सप्लिसिट वो एटीट्यूड होते हैं जिनके बारे में हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, हम जानते हैं कि हमारा क्या एटीट्यूड है, किस चीज़ को लेकर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, किस चीज़ को लेकर नेगेटिव है। वेयर एज इम्प्लिसिट क्या होता है, दीज आर दी एटीट्यूड विच आर अनकॉन्शियस इन नेचर बट स्टिल हैव ए इफेक्ट ऑन आवर बिलीफ एंड बिहेवियर्स। ये जो है हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है बट स्टिल इट हैज़ अ यू नो इम्प्रेशन ऑफ इसका इम्प्रेशन हमारे बिहेवियर पर रहता है और हमारे बिलीफ पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कि आपको नहीं लगता है कि आप किसी को, आपको आप मानते हो कि नहीं मेरी किसी से भी यू नो मैं सबको पसंद करता हूँ एट द ऑफिस, बट अनकॉन्शियसली ऐसा होता है कि यू आर जेलस ऑफ समवन, नो यू आर नॉट अवेयर ऑफ, बट उसी का ही आपके बिहेवियर पे और बिलीफ पे जो है फ़र्क पड़ता है एंड इट इफ़ेक्ट्स योर एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन होता कैसे, कैसे बनता है आपका मेरा सबका एटीट्यूड, ये बनता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एसोसिएशंस। एसोसिएशन मतलब किसी चीज़ से जुड़ाव, लगाव, एसोसिएशन हो जाना। एंड अगर पॉजिटिव एटीट्यूड जब आपका बनता है टुवर्ड अ सब्जेक्ट, इट इज़ लर्न थ्रू द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन समवन। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन रहता है कब, जब उनकी एसोसिएशन पॉजिटिव हो, बच्चा अच्छे से परफॉर्म करता है एज ए स्टूडेंट एंड टीचर्स को अप्रिशिएट करती है, दस आओ वो टीचर एंड स्टूडेंट का जो एसोसिएशन बनता है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। बट ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत नॉटी है, बिल्कुल भी यू नो ओबीडियंट नहीं है, डिसओबीडियंट है और बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता है स्कूल में जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है, सो दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन गोज इन टू द नेगेटिव एसोसिएशन। एंड इस टाइप के जो एसोसिएशन होते हैं दैट रिजल्ट्स इन टू द नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब टीचर्स का भी नेगेटिव एटीट्यूड होगा उस बच्चे की तरफ, बच्चे का भी होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की जो थ्योरी है। यू नो अगर एक बिहेवियर को हम रिवॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मदर जो है छोटे बच्चे को बोलती है कि आपको अगर आप थम्स अप नहीं करोगे तो आपको फेवरेट चॉकलेट मिलेगी, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड, तो वो इस बिहेवियर को क्या करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती हैं, एलिमिनेट करना चाहती हैं एंड बच्चा विल गेट रिवॉर्ड इन अगेंस्ट ऑफ इट, तो बच्चा जो है इस बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए कार्यरत होगा। सिमिलरली और अगर रिवॉर्ड देने के बाद भी मतलब नहीं छूटता है और पनिश किया जाता है, लाइक अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारा फेवरेट जो टॉय है या फेवरेट जो कार्टून है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो सच काइंड ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की स्ट्रैटेजी से हम जो है एक एटीट्यूड फॉर्मेशन की प्रक्रिया का पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है, जिससे कि हम एसोसिएशन बिल्डअप करते हैं। एसोसिएशन कर दी ना हमने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की एक पर्टिकुलर बिहेवियर के साथ, मतलब जिस बिहेवियर हम को हम चाहते हैं कि वो जो ना हो ना, तो उसको हम रिवॉर्ड कर रहे हैं और पनिश कर रहे हैं। सो उसी वजह से क्यों, ताकि हम जो है वो एटीट्यूड फॉर्म कर पाए इन अ बच्चा और इन अ स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट इज द मॉडलिंग। अब जो एसोसिएशन है वो मॉडलिंग से भी बनता है। मॉडलिंग कब होती है, जब हम दूसरों को देखते हैं कि जब वो सर्टेन बिहेवियर कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड या पनिशमेंट
मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में फर्स्ट नहीं आए हो, बट आप देख रहे हो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है उसको जो है 25,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है, उसको ट्रॉफी मिल रही है और उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, एवरी वन इज अप्रिशिएटिंग और आपको ये चीज़ पसंद आ रही है। सो आपको क्या, नाउ इट विल मॉडल योर एटीट्यूड। कैसे, आप चाहोगे कि मैं भी फर्स्ट आऊँ, मुझे भी ये स्कॉलरशिप मिले और मुझे भी ये सब कुछ हासिल हो। और ये इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मैंने देखा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो यू नो द टॉप वन गॉट द गोल्ड मेडलिस्ट, तब मुझे भी ऐसा लगा था कि आई शुड बी ऑन द स्टेज एंड शुड गेट इट। तो इसको क्या कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं, जब हम दूसरों को देख कर मोटिवेट होते हैं और एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज द ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। नाउ हम जो है जिस ग्रुप और कल्चर को बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में क्या सोशल कॉग्निशन है, क्या पैरामीटर्स हैं, उससे हमारा एटीट्यूड बनता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू द इंफॉर्मेशन। आपके जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जो भी एटीट्यूड बनते हैं मीडिया से, अगर आपके पास मीडिया है, लाइक आप कुछ लिटरेचर पढ़ते हो पर्टिकुलर और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप टीवी देखते हो, इंटरनेट पे न्यूज़ देखते हो, तो उससे भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप एसिमुलेट कर रहे होते हो उससे भी आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो लोग हैं जो कि हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। लाइक फैमिली एंड द स्कूल आर द प्राइमरी रिसोर्सेज और सोर्सेज फॉर द एटीट्यूड फॉर्मेशन, विच इज़ वेरी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीट्यूड फॉर्मेशन। एंड लेटर ऑन वेन वी गेट एसोसिएट विद द रेफरेंस ग्रुप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जो है अपनी लाइकिंग के हिसाब से आप यू नो वी गेट एसोसिएटेड टू सम रेफरेंस ग्रुप, यू नो कल्चरल ग्रुप, बीइंग इन एडोलेसेंट जब हम होते हैं तो उन रेफरेंस ग्रुप से भी हम जो है बहुत प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जब एज ए यू नो यू वॉज अ चाइल्ड आपको डॉग्स बहुत पसंद थे और डॉग्स पालते थे, बट वन डे व्हाट हैपन, आपके उसी डॉग ने बेफिजूल में आपको काट लिया, और एक बार नहीं दो तीन बार काट लिया। नाउ यू विल बिल्ड एन एटीट्यूड मोस्ट प्रोबेबली दैट ये डॉग्स पालना तो बेकार ही है, इनको पालो भी और ये हमें काट लेते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं ये भी हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन में और चेंज करने में दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज द मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। मीडिया रिलेटेड जैसे मैंने बताया आपको ऑडियो विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया में आपका टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट, यू नो स्कूल टेक्स्ट बुक और इंटरनेट सब कुछ आ जाता है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट करता है एंड विच इन्फ्लुएंसेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर पर्टिकुलर एटीट्यूड। नाउ हाउ ऑल द थिंग्स विच वी डिस्कस कैन इन्फ्लुएंस आवर एटीट्यूड। जैसे कि मैंने आपको एक्सपीरियंस का बताया कि हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, जो हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं, हमारी फैमिली में ऑब्जर्व करते हैं, अपने रिलेशन्स में ऑब्जर्व करते हैं, अपने वर्क कल्चर में ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे करके वो हमारे हर टॉपिक में जो है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में एड ऑन करते जाते हैं। तो एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस ऑन एटीट्यूड। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। ना सोशल फैक्टर्स में जो हमारे सोशल रोल्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, अनसेड रूल्स होते हैं कि ये करना ही है, लाइक मेल शुड एक्ट दिस एंड फीमेल शुड एक्ट दिस एंड चिल्ड्रन शुड बी लाइक दिस एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी दिस, ऑट टू एंड ऑट नॉट, और एक पर्टिकुलर तरीका रहने का, जीवन शैली का हर सोसाइटी में बताया जाता है एंड उस सोसाइटी के मेंबर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये उस सोसाइटी नॉर्म को फॉलो करें, तभी उनको जो है एक्सेप्टेंस मिलेगी। एंड सोशल एक्सेप्टेंस सबको चाहिए होती है, एवरी वन नीड सोशल एक्सेप्टेंस, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, नो बडी वॉन्ट टू बी रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, तो वो लोग सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं एंड लेट दस इट अफेक्ट्स ऑन द एटीट्यूड एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द लर्निंग। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एटीट्यूड इज़ अ लर्नड प्रोसेस, हम ये सीखते हैं, हम ये लर्न करते हैं, तो हम जो हैं
वैरायटी ऑफ वे से लर्निंग होती है. लाइक आपको पता होगा अबाउट द क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पैवलोव ने ऑन डॉग्स पे किया था, ही डिड इन एक्सपेरिमेंट. तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का जो फैक्टर है ये आपके मेरे साथ डेली होता है. कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई टेलीविजन कमर्शियल देखते हैं ऑफ कोको कोला पैप्सी एड किसी की भी देखते हैं, तो वो दिखाते हैं बड़ा लैविश तरीके से दिखाते हैं कि प्यास इतने अच्छे से बुझाता है कि पानी से भी अच्छी प्यास बुझाता है. बट आपको मेरे को दोनों को पता है कि पानी से अच्छी प्यास कोई नहीं बुझा सकता. बट जब भी हम बाहर जाते हैं तो वी विल नो इफ वेन विल फील थर्स्टी विल बाय पेप्सी एंड कोक. क्यों? क्योंकि वो जो कमर्शियल है उसने अनकॉन्शियसली हमारे एटीट्यूड को फॉर्म कर रखा है. सिमिलरली जब आप वो देखते हो ड्यू की एड, है ना, ड्यू में क्या बोलते हैं, चीता भी पीता है ड्यू. सो यू नो बॉयज़ यूजली दे बाय एंड ये डायलॉग वो मारते ही हैं. तो वो क्या होता है, ये अनकॉन्शियसली एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है एंड ये क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से ही हो जाता है कि आपको कंडीशन किया जाता है टीवी कमर्शियल दिखा दिखा के. तो एक तरीके की ये पॉजिटिव एसोसिएशन कर देता है विद द अट्रैक्टिव एंड द अपीलिंग इमेजरी विच यू नो विच मेक्स यू टू बाय दीज ड्रिंक्स फॉर यू. अनदर टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि बी एफ स्किनर ने दी थी. एंड उसमें भी वो क्या करते हैं, उनका मानना था कि कोई चीज़ जो चीज़ हमने लर्न की है उसको अनलर्न भी किया जा सकता है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी को सिगरेट की लत है ना, एंड देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके अराउंड वो रहते हैं, वो उसको यू नो कंप्लेन करते हैं, उसको चैस्टिसाइज करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं. और जब भी वो आसपास होता है तो उसको ये कह के ओहो तुम्हारे मुझसे तो स्मेल आ रही है, स्मोक की स्मेल आ रही है, उसके विसिनिटी को दूर चले जाते हैं. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक, है ना, इसको एक नेगेटिव एसोसिएशन दे रहे हैं ताकि वो जो है उसको छोड़ दे, एक अनफेवरेबल ओपिनियन. तो ये क्या होता है, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि बी एफ स्किनर ने दिया था. तो आपने यहाँ पे देखा क्लासिकल कंडीशनिंग में पॉजिटिव दिया जा रहा है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में नेगेटिव. तो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ एसोसिएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन, जिससे कि हम अपना एटीट्यूड बिल्डअप करते हैं. तो इसमें क्या होगा, जो स्मोकर है फिर वो क्या चाहेगा, ऑफकोर्स ही वॉन्ट सोसाइटी एंड सोशल इंट्रैक्शन विद हिज यू नो जिसके साथ वो रह रहे हैं. तो वट ही विल ट्राई टू लीव स्मोकिंग. और स्मोकिंग लीव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो तब स्मोक नहीं करेगा जब यू नो लोग उसके आसपास हो. तो दैट इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक बाय द पीपल टू हिम टू लीव दिस स्मोकिंग प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज़ द ऑब्जर्वेशन. नो ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है हम ऑब्जर्व करके करते हैं. बहुत सारे बिलीव हमारे, बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं वो हम देख कर यू नो सब बहुत सारी चीज़ें जो है हम देख कर सीखते हैं. सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं एंड स्पेसिफिकली चिल्ड्रन. चिल्ड्रन झूठ बोलना किससे सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं. जब पेरेंट उनको बोलता है कि फ़ोन पे बोल दो, जब उनके बॉस का फ़ोन आता है बोल दो कि पापा घर पे नहीं है या मम्मी घर पे नहीं है, तो वहाँ पे मम्मी पापा उनको ये नहीं सिखा रहे होते कि झूठ बोलो, बट उनको ये दिख रहा होता है कि मम्मी पापा घर पे हैं और इन स्पाइट ऑफ इट वो कह रहे हैं कि आप बोल दो बॉस को कि वो नहीं है. तो बच्चा जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से सीख गया कि झूठ बोलना इज़ ओके, यू नो. तो झूठ बोलना कोई सिखाता नहीं है, ये बच्चे ऑब्जर्व करके सोसाइटी से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, ये सब सीख जाते हैं. तो दिस इज़ हाउ दे फॉर्म द एटीट्यूड. तो फ्रेंड्स दीज आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हाउ एन एटीट्यूड इज़ फॉर्म्ड और कैसे डिफरेंट फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. आई होप योर टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको एटीट्यूड फॉर्मेशन कंसेप्ट समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, फीडबैक देने के लिए कमेंट करिए. अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल लव टू मेक वीडियोज ऑन दैट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.